अच्छा जी, तो हम चैप्टर नंबर 16 न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे पेपिलिडीमा। तो नेक्स्ट आ जाता है यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल पेपिलिडीमा का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि यूनिलेटरल डिस्क स्वेलिंग जो है होती है जब किसी ऑक्युलर या ऑर्बिटल लेजन की वजह से एक साइड पे जो है डिस्क स्वेलिंग होगी यूनिलेटरली। इसके अलावा याद रखिएगा पेपिलिडीमा बायलेटरल डिस्क स्वेलिंग के साथ होगा जो सेकेंडरीली रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। ठीक है, और यूनिलेटरल पेपिलिडीमा रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हो सकता है फॉलोइंग कंडीशन में, यानी रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में यूनिलेटरल भी हो सकता है। लेकिन कौन सी कंडीशन में? एक तो फॉस्टर कैंडी सिंड्रोम, दूसरा सूडो कैंडी सिंड्रोम। फॉस्टर कैंडी सिंड्रोम में याद रखिएगा जो फ्रंटल लोब के ट्यूमर्स हैं फ्रंटल लोब में अगर हो जाते हैं तो वो ऑप्टिक प्रेशर देंगे, प्रेशर एड ऑप्टिक एट्रोफी करवा देंगे। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ लेजन। और जबकि पेपिलिडीमा दूसरी साइड पे अदर साइड पे हो जाएगा ड्यू टू द रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। दूसरा सूडो कैंडी सिंड्रोम करवाते हैं, यानी कि इसमें भी हमें यूनिलेटरल पेपिलिडीमा मिलता है रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साथ। तो इसमें जो है यूनिलेटरल पेपिलिडीमा क्यों हो रहा है रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से? ड्यू टू एनी कॉज विथ प्री एग्जिस्टिंग ऑप्टिक एट्रोफी। इसमें पहले से ही किसी भी और कॉज की वजह से पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग ऑप्टिक एट्रोफी होगी दूसरी साइड पे। ठीक है, यानी एक साइड में प्री एग्जिस्टिंग अगर ऑप्टिक एट्रोफी हो गई है तो दूसरी साइड पे जो है यूनिलेटरल हमें पेपिलिडीमा मिलता है ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसको कहते हैं सूडो कैंडी सिंड्रोम। और फॉस्टर कैंडी सिंड्रोम क्या था कि फ्रंटल लोब में कोई ट्यूमर हो गया है वो जो है प्रेशर ऑप्टिक एट्रोफी करवा रहा है ऑन द साइड ऑफ लेजन, और जबकि पेपिलिडीमा दूसरी साइड पे हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये डिफरेंस हो गया यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल पेपिलिडीमा का। अच्छा, तो यहाँ पे जो है एक टेबल जो है ना जिसमें डिफरेंस है पेपिलिडीमा का और पेपिलाइटिस का। याद रखिएगा पेपिलिडीमा जो है ना उसका ऑनसेट ग्रेजुअली होता है, पेपिलाइटिस इन्फ्लामेशन है वो सडनली होती है। ठीक है, पेपिलिडीमा जो है उसमें साथ में सिम्टम्स होते हैं सिस्टेमिक हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग। पेपिलाइटिस में इस तरह का कोई सिम्टम नहीं होता। ऑक्युलर सिम्टम्स जो है उसकी बात करें तो विजुअल लॉस पेपिलिडीमा में कैसा होगा कि ट्रांजिएंट अटैक होंगे ब्लर विजन के, बाद में जो है विजन डिक्रीज हो जाएगी ऑप्टिक एट्रोफी की वजह से। ठीक है, पेपिलिडीमा में, जबकि पेपिलाइटिस में बहुत ज़्यादा मार्क्ड हमें लॉस ऑफ विजन मिलता है। पेन और टेंडरनेस इसमें नहीं होंगे लेकिन पेपिलाइटिस में प्रेजेंट हो सकते हैं ऑक्युलर मूवमेंट्स के साथ। एग्जामिनेशन पे हमें बाकी सारी चीज़ें जो है विजुअल एक्विटी, कलर विजन, पीपल रिएक्शन, विट्रस, ये सब पेपिलिडीमा में नॉर्मल मिलता है। लेकिन पेपिलाइटिस में विजुअल एक्विटी भी कम हो जाएगी, कलर विजन भी डिफेक्टिव होगा, रैपिड प्रेजेंट होगा, यानी रेलिवेंट एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। इसके अलावा विट्रस में भी हमें सेल्स मिलेंगे पोस्टीरियर विट्रस के अंदर। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क को अगर कंपेयर करें तो पेपिलिडीमा में जो डिस्क का एडीमा है साथ में हमें रिटेनिंग सेंट्रल कप मिलेगा। ठीक है, डिस्क एडीमा विथ रिटेनिंग ऑफ द सेंट्रल कप रिटेन ही रहेगा, जबकि पेपिलाइटिस में डिस्क एडीमा ब्लर्ड सेंट्रल कप के साथ होगा। इन्वेस्टिगेशंस में जब हम विजुअल फील्ड देखेंगे तो उसमें हमें इनलार्ज एक बड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट पेपिलिडीमा में मिलता है। पेपिलाइटिस में जबकि हमने कहा स्कोटोमा हो जाते हैं, सेंट्रल या सेंट्रोसील स्कोटोमा। सीटी स्कैन या एमआरआई करने पर जो पेपिलिडीमा है उसमें इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन हो जाती है। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन हमें मिलती है या कोई और पैथोलॉजी हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा रही है तभी पेपिलिडीमा हो रहा है। जबकि पेपिलाइटिस में सीटी स्कैन और एमआरआई में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन नहीं होती, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर देखा जा सकता है। सीएसएफ ओपनिंग प्रेशर याद रखिएगा इसमें बढ़ा हुआ होगा पेपिलिडीमा में और पेपिलाइटिस में जबकि नॉर्मल होगा। विजुअल इवोक पोटेंशियल भी पेपिलिडीमा में नॉर्मल होंगे, पेपिलाइटिस में एबनॉर्मल होंगे। दैट्स इट, ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस था पेपिलिडीमा का और पेपिलाइटिस का। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी आपने बहुत बार सुना होगा, होता क्या है, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है हमारे ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की या गैंग्लियन सेल्स की जिसके नतीजे में विजुअल लॉस हो जाएगा। ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी ये। तो इसको क्लासीफाई किया गया है ऑप्टिक न्यूरोपैथी को, एक तो इसमें ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी एओन। इसमें फर्दर दो टाइप्स हैं, आर्टेराइटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, नॉन आर्टेराइटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, थर्ड होता है क्लासिफिकेशन में कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिक न्यूरोपैथी, हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी, टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, तो सारों की हम जो है थोड़ी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। सबसे पहली टाइप जो है ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी, फिगर देखें साथ में। इसके लिए देखें ग्लॉकोमा वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। यहाँ फिगर में देखें ग्लॉकोमेटस डिस्क दिखाई गई है, ये कप का मार्जिन है, ग्लॉकोमेटस कप है और नेजलाइजेशन मिल रही है हमें वेसल्स की।
तो यहीं पर जो है इसकी डिटेल है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिक डिस्क के चेंजेस जो ग्लोकोमा में होते हैं, एक तो नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट मिलता है जो लोकलाइज या डिफ्यूज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा न्यूरो रिटाइनल रिम, एक तो हमने कहा नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट, ठीक है, लोकलाइज या डिफ्यूज, ये अर्लीस्ट चेंज होता है जो कि हमें रेड फ्री लाइट की तरह नज़र आएगा। और ये डिटेक्टेबल जो ऑप्टिक डिस्क होती है और विजुअल फील्ड डैमेज जो हमें डिटेक्ट हो उससे पहले जो है प्रोसीड करता है ये चेंज, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट होगी। दूसरा न्यूरो रिटाइनल रिम हो जाती है, यानी ग्लोकोमा में जो कलर है वो चेंज कर जाएगा, ऑरेंज पिंक से लेके पैलार की तरफ आ जाएगा और डिक्रीज हो जाएगी विड्थ। क्यों? ड्यू टू द ग्रेजुअल नर्व फाइबर डैमेज की वजह से विड्थ भी जो है कम हो रही है और टोटली जो है बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी एडवांस्ड स्टेज ऑफ ग्लोकोमा में। थर्ड जो है, देखिए ऑप्टिक डिस्क की हमें कपिंग मिलती है, फिगर में भी दिखाई दे रहा है। तो ग्लोकोमा में क्या होता है कि कप का डिस्क रेशो जो है, कप डिस्क रेशो वो बढ़ जाता है डैमेज ऑफ द नर्व फाइबर्स की वजह से। तो रेशो अगर 0.7 से ज़्यादा है इन वन आई, या हमें दोनों आईज़ में डिफरेंस मिलता है 0.2 का बिटवीन द टू आईज़, तो इसको हम पैथोलॉजिकल कंसिडर करते हैं, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क कपिंग। इसके अलावा हमें देखिए नेजलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स मिलती है, एक तो ऑप्टिक डिस्क डिस्प्लेस, जो ऑप्टिक डिस्क की ब्लड वेसल्स है ना उनकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है नेजल साइड ऑफ द डिस्क की तरफ, ठीक है, नेजलाइजेशन इसको कह रहे हैं। स्प्लिंटर हेमरेज भी प्रेजेंट हो सकते हैं डिस्क के मार्जिन पे, ठीक है, इस ग्लोकोमा की वजह से। तो ये हेमरेज स्पिंडल शेप के होंगे और ये रप्चर क्योंकि हुआ है कैपिलरीज का हाई प्रेशर में, तो उस वजह से स्पिंडल शेप के स्प्लिंटर हेमरेजेस होंगे। एंड लास्टली हमें पेरी पेपिलरी एट्रोफी भी मिल सकती है यूजुअली प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में, ठीक हो गया। तो ये पहली टाइप होगी, दूसरी पे आ जाए। दूसरे हमने कहा एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है जिसको हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है। तो पहली आर्टेराइटिक एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी को डिस्कस करते हैं। ये याद रखिएगा क्यों होता है, कॉज होता है जायंट सेल आर्टेराइटिस की वजह से, जो कि ग्रेन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग आर्टेराइटिस है, हम पढ़ चुके हैं पैथोलॉजी में भी ब्लड वेसल्स वाले चैप्टर में, ठीक है, कि ये ग्रेन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग आर्टेराइटिस होती है, आर्टरीज की इन्फ्लामेशन जो टिपिकली जो है हमारी जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है उसको इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो इस जायंट सेल आर्टेराइटिस की वजह से ये आर्टेराइटिक एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो रही है। तो इसमें जायंट सेल आर्टराइटिस में क्या होता है, जो शॉर्ट सीलरी आर्टरी का वास्कुलाइटिस है ये लीड करेगा इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड, ठीक है, ऑप्टिक नर्व हेड की इसकी वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगी। याद रखिएगा ये 70 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान होता है और तकरीबन 10% जो एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है वो इसी वजह से होती है, ठीक है, जायंट सेल आर्टराइटिस की वजह से। क्लिनिकल फीचर इस वाली टाइप में हमें जो मिलते हैं सिस्टेमिक सिम्टम्स, उनमें पेशेंट को हेडेक होता है, स्काल्प टेंडरनेस, जॉ क्लॉडिकेशन, वेट लॉस हो जाता है, नाइट स्वेट्स और पोलीमायल्जिया रूमेटिका। ऑक्युलर सिम्टम्स में एक तो उसका सडन ऑनसेट का मोनोक्युलर विजुअल लॉस होगा एक साइड का, ठीक है, रैप्ड प्रेजेंट होगा, यानी रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट उसको प्रेजेंट होगा, डिस्क हमें स्वॉलन नजर आएगी, यूजुअली टिपिकली वो पेल होगी अपीयरेंस में, ठीक है, और विजुअल फील्ड में हमें एल्टीट्यूडिनल डिफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक हो गया। एल्टीट्यूडनल डिफेक्ट यानी कि विजुअल फील्ड में जो है ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डिफेक्ट होता है सुपीरियर या इन्फीरियर जो पोर्शन होता है ना विजुअल फील्ड का उसमें विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल मिड लाइन, तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूडनल डिफेक्ट, ठीक है, ये हमें मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी होती है, एक तो इमीजिएट और दूसरी टेम्पोरल। इमीजिएट जो इन्वेस्टिगेशन है उनमें हमने ESR जो है इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा मिलेगा, रेज्ड मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो ये भी बहुत ज़्यादा रेज्ड होगा। CBC जब कराएंगे तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी इंक्रीज्ड प्लेटलेट लेवल के साथ। दूसरा है टेम्पोरल आर्टरी की हम बायोप्सी भी करते हैं। ट्रीट कैसे करना है, सिस्टेमिकली जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं IV में, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम डेली दिया जाता है पर डे 3 दिनों तक, और उसके बाद ओरली आ जाएंगे प्रेडनिसोलोन पे 1 to 2 milligrams पर kg बॉडी वेट, ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो है नॉन आर्टेराइटिक एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो अब ये नॉन आर्टराइटिक क्यों होता है, इसके कॉजेज हैं एक तो हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, डायबिटीज मिलाइटिस, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेजन वास्कुलर डिजीज़, ठीक है। तो ये कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके नॉन आर्टराइटिक के, याद रखिएगा। अब ये 50 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान होता है, 90% जो केसेज हैं ना अक्यूट इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी के वो नॉन आर्टराइटिक वाले होते हैं। नॉन आर्टराइटिक AIN में परफ्यूजन जो है वो उसकी इंसफिशेंसी हो जाएगी शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरीज के अंदर, जिसके नतीजे में वहाँ पे फिर इन्फार्क्शन हो जाएगा रेट्रोलेमिनर पोर्शन ऑफ द डिस्क का, ठीक है, रेट्रोलेमिनर लेमिना क्रिबरोसा के पीछे। तो अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स है वही, एक तो सडन ऑनसेट का मोनोक्युलर विजुअल लॉस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी सडन ऑनसेट मोनोक्युलर विजुअल लॉस हो रहा था। इसमें भी जो है रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट होगा, यहाँ पे भी ऑप्टिक डिस्क स्वॉलन होगी और टिपिकली पेल होगी, विजुअल फील्ड डिफेक्ट यहाँ पे भी एल्टीट्यूडिनल डिफेक्ट्स शो करेंगे,
ठीक हो गया। तो इसमें भी अब इन्वेस्टिगेशन पे आ जाए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे भी जायंट सेल आर्थराइटिस को ज़रूर भी रूल आउट करना होता है। कैसे? बाय इमीडिएट ESR करवाएंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन और CBC कंप्लीट ब्लड पिक्चर। अगर नॉन आर्थराइटिक है तो उसमें हमने ब्लड प्रेशर को चेक करना है, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल, वही जो इसके कॉजेज हैं उनको जो है चेक करना होगा। ट्रीटमेंट जो है अंडरलाइन कॉज पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, लो डोज एस्पिरिन का, दैट इज़ के यानी 75 मिलीग्राम पर डे कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। थर्ड आ जाए कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी पे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन में थर्ड टाइप थी ऑप्टिक न्यूरोपैथी की, कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अब ये क्यों होती है? जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि कोई ऑर्बिटल लेजन है, जैसे ग्लायोमा या मेनिनजोमा या थायरॉयड ऑफ्थेल्मोपैथी, या इंट्राक्रेनियल कोई लेजन हो सकती है जैसे पिट्यूटरी का ट्यूमर या एन्यूरिज्म। तो ये क्या करेंगे, इस तरह के लेजन मैकेनिकली कंप्रेस करेंगे, तभी हम कंप्रेसिव कह रहे हैं। कंप्रेस कर देंगे हमारी ऑप्टिक नर्व को, उसके नतीजे में फिर डिस्क की स्वेलिंग हो रही है और प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ विजन हो रहा है ड्यू टू द इस्कीमिया एंड मैकेनिकल डैमेज टू नर्व फाइबर। एक तो कंप्रेस करिए, मैकेनिकली डैमेज करिए, दूसरे वहाँ पे इस्कीमिया भी करवा दिए। ठीक है, तो विजुअल लॉस इसमें याद रखिएगा पेनलेस होता है और ग्रेजुअली हो जाता है, ग्रेजुअली, और ऑप्टिक डिस्क की अपीयरेंस जो है एडिमेटस या पेल होगी। फोर्थ टाइप होती है इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इन्फिल्ट्रेटिव में क्या होता है, वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे ट्यूमर्स हो गए, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शंस, वो जाके वहाँ ऑप्टिक नर्व के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दें जाएंगे। तो ट्यूमर्स जो है वो कौन से हो सकते हैं, याद रखिएगा कि प्राइमरी ट्यूमर्स हो सकते हैं लाइक ऑप्टिक ग्लायोमा, कैपिलरी कैवर्नस हेमेंजोमास, ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे, या सेकेंडरी ट्यूमर्स जैसे फॉर एग्जांपल मेटास्टेटिक कार्सिनोमा या ल्यूकीमिया। ठीक है, सेकेंडरी ट्यूमर में मेटास्टेटिक कार्सिनोमा या ल्यूकीमिया की वजह से इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकता है। सेकेंड जो है, याद रखिएगा कोई ऐसी इन्फ्लामेटरी डिजीज लाइक सार्कोइडोसिस से भी हो सकती है इन्फिल्ट्रेटिव वाली टाइप ऑप्टिक न्यूरोपैथी की। इन्फेक्शन में फंजाई और बैक्टीरिया जाके ऑप्टिक नर्व को ही इन्फिल्ट्रेट कर देंगे। विजुअल लॉस ग्रेजुअली होता है और इसमें भी पेनलेस होगा, डिपेंड करता है कॉज पे। ऑप्टिक डिस्क की अपीयरेंस जो है ना यहाँ पे एडिमेटस या पेल होगी। ठीक हो गया। नंबर फिफ्थ टाइप हमने कहा था ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है जब वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंजरी को एक्सपोज हो। ठीक है, इंजरी हो जाएगी तो विजुअल लॉस इसमें अब याद रखिएगा सडनली हो रहा है, ये डिफरेंस आ गया। सडनली विजुअल लॉस होगा, सिवियरिटी ऑफ इंजरी पे डिपेंड करेगा, उस हिसाब से उतना विजुअल लॉस होगा। ट्रीटमेंट है कि हम सिस्टेमिकली स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, हेल्पफुल रहेंगे। सिक्स्थ कंडीशन है माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिक न्यूरोपैथीज। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ रिटाइनल गैंगलियन सेल्स। हमारे रिटाइनल गैंगलियन सेल्स का लाइफ साइकिल ही यही मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शनल डैमेज हो गया किसी जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया DNA में, या वाइटामिन की डिप्लीशन की वजह से, अल्कोहल की वजह से, या इवन टोबैको अब्यूज़ की वजह से, तो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनली डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, सेवन्थ टाइप है लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसको LHON कहते हैं। ये मैटरनली इनहेरिटेड माइटोकॉन्ड्रियल DNA पॉइंट म्यूटेशन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की DNA में होती है। ठीक है, ये हम बायोकेमिस्ट्री में भी देख चुके हैं, हमने पढ़ा था सेकेंड ईयर में। तो ये टिपिकली यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, और इसमें फैमिली हिस्ट्री 50% केसेस में होती है। क्लिनिकल फीचर्स इस तरह होते हैं कि टिपिकली इसमें पेशेंट को अक्यूट या सब अक्यूट पेनलेस यूनिलेटरल विजुअल लॉस होगा। दूसरी वाली फेलो आई जो है वो अफेक्ट हो जाएगी हफ्तों से महीनों के अंदर, वो भी अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पीपल रिएक्शन इसमें ज़्यादातर नॉर्मल ही रहता है। डिस्क में हाइपरीमिया जो है वो शो कर सकती है, पेरी पेपिलरी टेलिंगजेक्टेसिया यानी डायलिटेशन ऑफ द वेसल्स, और पेरी पेपिलरी नर्व फाइबर की स्वेलिंग भी। विजुअल फील्ड जो है उसमें हमें डेंस सेंट्रोसील स्कोटोमा मिलता है। अब याद रखिएगा कि लेबर्स हेरिडिटी में हमें स्कोटोमा भी मिलेगा, सेंट्रोसील टाइप वाला, और डायग्नोसिस हम इसकी माइटोकॉन्ड्रियल DNA एनालिसिस फॉर लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी के थ्रू करेंगे, इस म्यूटेशन की डायग्नोसिस। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है इसमें कोई भी डेफिनेटिव नहीं है। एट्थ टाइप है न्यूट्रिशनल एंड टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि टोबैको वगैरह या अल्कोहल एम्ब्लायोपिया जो है इसमें आ जाता है, टोबैको अल्कोहल एम्ब्लायोपिया। ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन टॉक्सिक और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का, यानी विटामिन B12 लो होगा, साथ में अल्कोहल एक्सेस की वजह से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, अल्कोहल के ज़्यादा होने की वजह से ये B12 लो हुआ है और इसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई है। तो इससे होता क्या है, डिसरप्शन हो जाती है माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, और ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे भी सब अक्यूट पेनलेस, लेकिन बायलेटरल विजुअल लॉस होता है। ऑप्टिक डिस्क स्वॉलन नजर आएगी, पेल नजर आएगी। यहाँ पे भी
भी स्कोटोमा मिल रहे हैं, सेंट्रल और सेंट्रोसील स्कोटोमा विजुअल फील्ड में मिलेंगे। डायग्नोस हम करेंगे, एक तो हम सीरम में जो है B1, B2, B12 और फोलिक एसिड के लेवल्स हमें कम मिलेंगे तो डायग्नोसिस हो जाएगी। ट्रीटमेंट जो है हमने सप्लीमेंटेशन करनी है विटामिंस की और अल्कोहल का इनहिबिशन करवानी होगी। ठीक हो गया। नाइन्थ टाइप है टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। टॉक्सिक है ये, इसमें सबसे पहले मेथानॉल यानी मिथाइल अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन। देखिए मेथानॉल की पॉइजनिंग जो है बहुत ही कॉमनली होती है, जब भी वुड अल्कोहल ड्रिंक की जाए या फिर विंडशील्ड वॉशर फ्लूड जो है, जैसे विंडशील्ड जो है वॉश की जाती है, विंडशील्ड वॉशर फ्लूड उसको ड्रिंक किया जाए तो उसकी वजह से मेथानॉल पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर मेथानॉल कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेट, जो टॉक्सिक इफेक्ट करवाते हैं ऑप्टिक नर्व पे और बाकी हमारे बॉडी टिश्यूज पे। तो इससे भी बायलेटरल ब्लाइंडनेस होगी। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल देते हैं जो कि एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट कर रही होती है फॉर द मेथानॉल, उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगी टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी में। दूसरा है एथाम्ब्यूटोल। अब एथाम्ब्यूटोल जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसकी जो टॉक्सिसिटी अब होगी ना, वो एक तो इसके डोज पे डिपेंड करती है और ड्यूरेशन पे, कितना ज़्यादा दिया है, कितने टाइम तक दिया है। ठीक है, टीबी का वैसे तो ट्रीटमेंट है लेकिन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो इंसिडेंस तो उसका वैसे लो है 1% विद अ स्टैंडर्ड डेली डोज ऑफ 15 mg नॉर्मल होता है पर kg बॉडी वेट, और इसका इंसिडेंस हाई है 18% जब इसका डेली डोज 35 mg पर kg बॉडी वेट हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये बायलेटरल यहाँ पे पेनलेस ग्रेजुअल विजन लॉस होगा। ऑप्टिक डिस्क यहाँ पे नॉर्मल भी हो सकती है या इवन स्वॉलन एंड टेल भी हो सकती है। और पेरीमेट्री जब हम करेंगे ना तो उसमें हमें सेंट्रल या पेरिफेरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक हो गया, दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑप्टिक एट्रोफी। देखिए ऑप्टिक एट्रोफी की डेफिनेशन है कि जो ऑप्टिक डिस्क है उसकी एट्रोफी हो जाए रिजल्टिंग फ्रॉम डीजेनरेशन ऑफ रिटाइनल गैंग्लियन सेल्स या उनके एग्जोन्स जो है डीजेनरेट हो गए हैं उसकी वजह से ऑप्टिक डिस्क की एट्रोफी हो गई, तो उसको ऑप्टिक एट्रोफी कहेंगे। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं, एक तो ऑफ्थेल्मोस्कोपिक क्लासिफिकेशन है जिसमें मेन इसके चार टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी, सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी, कंजेक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोफी, ग्लोकोमेटस या कैवर्नस ऑप्टिक एट्रोफी कह सकते हैं। तो सबसे पहले डिटेल है प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी की। प्राइमरी वाली याद रखिएगा, लेजन जो है वो ऑप्टिक जो डिस्क होती है उससे प्रॉक्सिमल होगी, ऊपर होगी, तो ये बिना किसी इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड, यानी ना ही हमें इसमें ऑप्टिक नर्व हेड की इन्फ्लामेशन मिलेगी ना ही कोई स्वेलिंग होगी क्योंकि लेजन ऑप्टिक डिस्क से प्रॉक्सिमली है। अब इसमें जो नर्व फाइबर्स हैं ना वो डीजेनरेट करेंगे बिना किसी प्रोलीफरेशन ऑफ ग्लायल टिशू के, इसमें ग्लायल टिशू प्रोलीफरेट नहीं करेगा। अब ये क्यों होती है प्राइमरी वाली, बहुत से इसके कॉजेज़ हैं, एक तो रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाए मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से तो वो प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी करवाता है। कंप्रेसिव न्यूरोपैथी हो, जैसे कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर हो गया, ऑप्टिक नर्व का ट्यूमर हो गया या एन्यूरिज्म, तो कंप्रेस करेगा और ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी की वजह से, हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथीज की वजह से ये एट्रोफी हुई है, या टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये सारी जो है ये प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी करवा देंगी। ठीक हो गया। तो अब ऑप्टिकल डिस्क की अपीयरेंस यहाँ पे हमें कैसी मिलेगी, इस फिगर में भी देखें 16.6 में प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी में क्या होगा कि ऑप्टिकल डिस्क जो है वो हमें चौकी वाइट नज़र आएगी। देखिए चौकी वाइट अपीयरेंस, क्लियर मार्जिन्स के साथ, लेकिन ठीक है ये मार्जिन देखें बिल्कुल क्लियर है, और लेमिना क्रिबरोसा जो है बहुत ज़्यादा हमें इसमें विजिबल होगा। और नंबर थर्ड जो रिटाइनल वेसल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी और वेसल्स की शीथिंग यहाँ पे एब्सेंट होगी, नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। दूसरी होती है प्राइमरी के बाद हमारे पास सेकंड टाइप, चार होती हैं, हम सेकंड टाइप पे आ जाएं, विच इज़ द सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी, यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है। तो अब इसमें सेकेंडरी में क्या होता है, ये प्रिसीड होती है बाय द स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड। ठीक है, ऑप्टिक नर्व हेड यहाँ पे स्वेल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हमें इसमें ग्लायल टिशू के प्रोलीफरेशन मिलेगी, प्राइमरी में नहीं थी लेकिन यहाँ ग्लायल टिशू प्रोलीफरेट करता है। क्यों हो रही है सेकेंडरी वाली, पेपिलाइटिस की वजह से, क्रोनिक पेपिलिडीमा करवा सकता है सेकेंडरी एट्रोफी, एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी की वजह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क कैसी नज़र आएगी, एक तो डिस्क ग्रे होगी या डर्टी वाइट होगी क्योंकि यहाँ ग्लायल टिश्यू जो है वो प्रोलीफरेट हो गया, इसलिए हमें डिस्क जो है ग्रे या वाइट, डर्टी वाइट नज़र आ रही है। मार्जिन्स भी पुअरली डिफाइंड है, शीथिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, प्राइमरी में नहीं थी और मार्जिन्स वहाँ पे क्लियरली डिफाइंड थे, यहाँ पुअरली डिफाइंड है। थर्ड टाइप होती है कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी। कंजेक्टिव होती है रिटाइनल डिजीज़ के सेकेंडरीली, उसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जैसे अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो उसकी वजह से कंजेक्टिव
ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है। इसके अलावा हाई मायोपिया की वजह से सेंट्रल रिटाइनल आर्टरी या वेन ओक्लूड हो जाती है तो कंजेक्टिव रिटाइनल एट्रोफी होगी। अब कंजेक्टिव वाली की अपीयरेंस देखें ऑप्टिक डिस्क की, तो इसमें हमें वैक्सी पैलार मिलता है, ठीक है। डिस्क पे देखें वैक्सी पैलारनेस, बहुत ज़्यादा एटीनुएशन हो जाएगी, मार्क्ड एटीनुएशन ऑफ द आर्टरीज, और डिस्क के जो मार्जिन है वो नॉर्मल ही रहेंगे। फोर्थ टाइप है ये ग्लैकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी, ये होती है क्योंकि जो है इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उसकी सेकेंडरीली, ठीक है। इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है ऑप्टिक नर्व के हेड में, उस वजह से ये ग्लोकोमेटस या कैवर्नस ऑप्टिक एट्रोफी होगी। इसमें भी जो कॉजेज़ है ना वो सारे टाइप्स की जो ग्लोकोमा है वो ग्लोकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्टिक डिस्क की अपीयरेंस देखें, बहुत ज़्यादा कपिंग मिलती है हमें डिस्क की, लेमिना क्रिबिरोसा के पोर्स हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे विजिबल होंगे, नेजल शिफ्टिंग देखें, नेजलाइजेशन हो गई है ब्लड वेसल्स की, रिटाइनल वेसल्स की, और पेरीपेपिलरी हेलो एंड एट्रोफी में आल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाते हैं ऑप्टिक एट्रोफी की, चारों टाइप्स हमने डिस्कस कर ली डिटेल में। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक तो क्लिनिकल फीचर्स जो है वो स्टेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व डैमेज पे डिपेंड करते हैं, कौन सा स्टेज चल रहा होगा उस तरह का सिम्टम्स होंगे, फीचर्स होंगे। दूसरा, विजुअल एक्विटी डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, माइल्ड से मॉडरेट या इवन नो परसेप्शन ऑफ लाइट हो सकती है क्योंकि ऑप्टिक नर्व ही एट्रोफी हो गई है, ठीक है। तो कलर विजन भी अल्टर होगा पेशेंट का, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, और रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट भी मिल सकता है हमें, इवन विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी है, पेशेंट्स जिनको ऑप्टिक एट्रोफी हो गई है तो उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम एक्सक्लूड करें वो है कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन जो कंप्रेस कर रही है उनके ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक कियाज़म को, ठीक है। ऑप्टिक एट्रोफी में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन को लाजमी रूल आउट करना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम न्यूरो इमेजिंग करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, इलेक्ट्रोरिटाइनोग्राम, विजुअली इवोक्ड पोटेंशियल, बाकी इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, एएसआर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टडी और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी लेवल्स, ठीक है, ये देखे जाएंगे। ट्रीटमेंट जो है अंडरलाइन कॉज पे ही डिपेंड करता है और विजुअल एक्विटी पे, ठीक हो गया, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे जो है एक टेबल गिवन है जिसमें ऑफ्थेल्मोस्कोपिक डिफरेंसेस हैं इन द अपीयरेंस ऑफ द ऑप्टिक एट्रोफीज। चार टाइप्स हमने पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंजेक्टिव, ग्लोकोमेटस। प्राइमरी में डिस्क कैसी अपीयर होगी, चॉकी वाइट। सेकेंडरी में डर्टी ग्रे कलर की डिस्क होगी। कंजेक्टिव में वैक्सी पैलार, ग्लोकोमेटस में वाइट डिस्क। डिस्क के मार्जिन सबसे पहले प्राइमरी में हमने कहा शार्पली डिमार्केटेड होंगे, सेकेंडरी में पुअरली डिफाइंड, कंजेक्टिव में नॉर्मल डिस्क मार्जिन और ग्लोकोमेटस में भी नॉर्मल डिस्क मार्जिन। डिस्क की कपिंग जो है दोनों में लॉस हो रही है, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में। कंजेक्टिव में बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कप रहेगा और ग्लोकोमेटस में हमने देखा कि नेजलाइजेशन हो रही है वेसल्स के और साथ में बहुत ज़्यादा कपिंग मिल रही है ग्लोकोमा वाली टाइप में, ठीक है। रिटाइनल वेसल्स बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी पहली दोनों टाइप्स में, कंजेक्टिव में थोड़ी बहुत एटीनुएशन जो है बहुत ज़्यादा बल्कि हमें मिल रही थी आर्टरीज की, देखें एटीनुएशन ऑफ आर्टरीज, और ग्लोकोमेटस में रिटाइनल वेसल्स नॉर्मल ही रहेंगी। पेरीपेपिलरी एट्रोफी किस में थी, सब में एब्सेंट थी, नहीं मिल रही थी, लेकिन ग्लोकोमा वाले में हमें पेरीपेपिलरी एट्रोफी मिल रहा है। कॉजेस क्या है, प्राइमरी की हमने कहा कोई रेट्रोबल्बर लेजन जो है वो प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी करवा सकती है, जैसे पिट्यूटरी का ट्यूमर, ऑप्टिक नर्व का ट्यूमर, ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। सेकेंडरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी ऑप्टिक एट्रोफी हो रही थी डिस्क की स्वेलिंग के सेकेंडरीली, यानी डिस्क स्वेल हुई है उसकी स्वेलिंग की वजह से ऑप्टिक एट्रोफी हुई, जैसे पेपिलाइटिस में या पेपिलेडिमा में हमने पढ़ा ऑप्टिक डिस्क स्वेल कर जाती है, तो उसके सेकेंडरीली फिर ऑप्टिक एट्रोफी हो रही थी। कंजेक्टिव में हमने कहा कि ये कंजेक्टिव वाली जो टाइप है ये रिटाइनल पैथोलॉजी के सेकेंडरीली होगी, लाइक किसी को अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, पैथोलॉजी है ना, मायोपिया है, सेंट्रल रिटाइनल आर्टरी की ओक्लूजन हुई है, तो उसको कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी होगी। एंड देन थी ग्लोकोमेटस टाइप जिसमें हमने कहा रेज्ड इंट्रा ओकुलर प्रेशर की वजह से ग्लोकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी हुई, ठीक है। डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कियाज़मल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ऑप्टिक कियाज़मा जो है ये बेस ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड होता है, ये फिगर देखिए, यहाँ से लेटरल फाइबर्स हैं, ये मीडियल फाइबर्स हैं, ठीक है। फिर ऑप्टिक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व जाके ऑप्टिक कियाज़म पे मिलती है और फिर आगे से ऑप्टिक ट्रैक निकलता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक कियाज़म की। ऑप्टिक कियाज़म जो है ये हमारे बेस ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड होता है, ठीक है, इन्फीरियर टू द हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखें फिगर में, तो ये ऑप्टिक कियाज़म दिखाया गया, हाइपोथैलेमस के ये नीचे होगा और अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीमीटर इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर होगा, इस सुपरा सेलर सिस्टर्न के अंदर लोकेटेड है, ठीक हो गया। ऑप्टिक कियाज़म तकरीबन 10 से 20 मिलीमीटर डायमीटर का होता है और ट्रांसवर्सली, जबकि 14 to 13 मिलीमीटर वाइड ये एंटीरो पोस्टीरियरली होगा।
यानी ऑप्टिक क्यासम को अगर हम देखें तो वो 10 to 20 millimeter उसका डायमीटर है। अब इस तरह देखेंगे, इस तरह से एंटीरो पोस्टीरियरली वो 14 to 13 millimeter होगा और 3 to 5 millimeters की जो है थिकनेस होगी। अब इस फिगर पे भी देखें, क्यासम पे क्या होता है कि रफली जो 53% फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हर एक आई से, ये क्रॉस करेंगे और पास कर जाएंगे कॉन्ट्रालेटरल वाली ऑप्टिक ट्रैक में, ठीक है, 53% कॉन्ट्रालेटरल में जाएंगे। बाकी जो 47% फाइबर्स हैं ये कंटिन्यू करेंगे उसी इप्सीलेटरल ट्रैक में, ठीक हो गया। अब ऑप्टिक क्यासम जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है कन्वेइंग विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द विजुअल कॉर्टेक्स तक, ये कन्वे करता है। नेजल वाले देखिए, जो मीडियल, यहाँ नेजल वाले जो मीडियल रिटाइनल फाइबर्स हैं हर एक ऑप्टिक नर्व से, ये लेफ्ट और राइट ये एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ पोस्टीरियरली फ्रॉम द आई और जाके यूनाइट करेंगे और डीकसेट कर जाएंगे ऑप्टिक क्यासम पे, ठीक है, डीकसेशन हो रही है। अब ऑप्टिक क्यासम जो है अलाउ करता है जो राइट विजुअल फील्ड इन्फॉर्मेशन है कि वो ट्रैवल करे हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में विया द लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है, इस लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू हमारी राइट वाली जो है विजुअल इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, राइट वाली इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हेमिस्फीयर में लेफ्ट ट्रैक के थ्रू जा रही है, और सारी जो लेफ्ट विजुअल इन्फॉर्मेशन है ये राइट हेमिस्फीयर में ब्रेन के जा रही है राइट ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू। तो ऑप्टिक क्यासम जो है ये सप्लाई होता है बाय द ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, इसको जो होती है हमारी ब्रेन में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सर्कल ऑफ विलिस में भी होती है, उसकी ब्रांचेस इसको सप्लाई करती है। एंटीरियर सेरिब्रल वो भी करेगी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर सेरिब्रल और बेजिलर आर्टरीज, ये सारी इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये सप्लाई करेंगी। अब कॉजेज़ क्या होते हैं क्यासमल डिजीज़ के, यहाँ से इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।